गाइस वेलकम टू पार्ट टू ऑफ अवर गोस्ट सीरीज। अगर तुम लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वहाँ पर पार्ट वन का लिंक आ जाएगा। और अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम लोग को ऐसी और भी गोस्ट सीरीज चाहिए या फिर और भी GTA 5 की धमाकेदार वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। अरे पेनी भाई छोड़ देना यार, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? अरे यार जाने देना। अबे उज्जवल तू रुक क्यों गया यार? ये गलत बात है, ये सिर्फ मेरे पीछे ही पड़ा है। मैंने तेरे को पहले ही बोला था ना कि उज्जवल को खा ले, वो मेरे से ज्यादा टेस्टी है। गाइस एक सेकंड रुको, हम लोग भाग क्यों रहे हैं? हम लोग के पास पूरी दुनिया भर की गन्स पड़ी हुई है। ए चचा फट गई ना, ये ले हेडशॉट खा ले। ये सस्ता से क्लाउन मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसको लग रहा था कि ये मेरे को डरा सकता है। ओए हां तूने बिल्कुल सही बोला। अबे तू कब आया? अबे मैं तो यही था भाई। पेनी वाइज से ज्यादा डरावना उज्जवल तू लग रहा है मेरे को। अच्छा ये पता, तेरे हाथ में इतनी बड़ी सी शॉटगन है, और जब ये पेनी वाइज हमारे पीछे कुत्तों की तरह पड़ा था तूने इसको यूज क्यों नहीं करा? ओए वो मैं भी थोड़ा सा डर गया था। हाँ वैसे मैं भी डर गया था, तो मैं तेरे को ब्लेम नहीं कर सकता। एक बार भाई इस पेनी वाइज को देखते हैं यार, कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई ये। भाई साहब एक काम करते हैं, इस पे दो तीन गोली और मार देते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये मर चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 उज्जवल देख रहा है ना कितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है ये। ओए न्यूक्लियर तू तो बिल्कुल सही बोल रहा था, वो मैकडी का क्लाउन इस पेनीवाइज के सामने कुछ नहीं है। वही तो भाई, मैंने तेरे को बोला था ना मैकडॉनल्ड्स का क्लाउन तो इसके सामने कुछ नहीं है। अगर मैकडॉनल्ड्स के क्लाउन ने इसको गलती से भी देख लिया ना वो अपने पैंट में मुद देगा। रुक मैं तेरे को इंस्टाग्राम पे एक फोटो भेजता हूँ। अबे हाँ यार, और वैसे ये फोटो कब की है? वो 5 साल पुरानी फोटो है, लग रहा हूँ ना क्यूट? हाँ यार क्यूट तो लग रहा है वैसे। और गाइस अगर तुम लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जल्दी से कर दो। अबे बेटा हमको भी उस ग्राम पे, वो कौन सा ग्राम है? हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो जरा। उज्जवल तूने वो आवाज सुनी क्या अभी? लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम दो ही है। अबे हम दो नहीं, ये पेनीवाइज भी तो यही पर है। अबे उज्जवल भाग यार, ये पेनीवाइज तो बड़ा खतरनाक है, मरने के बाद भी बात कर रहा है। उज्जवल फुल स्पीड में भाग, यहाँ से हम लोग को जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। मेरे को मत सिखा, तू चुपचाप भाग। उज्जवल तेरे को भी वही दिख रहा है क्या जो मेरे को दिख रहा है? ओए हाँ ये तो पेनीवाइज है। लेकिन मैंने इसको गोली मारी तो थी, मर भी गया था यार, इसका खून भी निकला था। अरे उज्जवल भाग। अरे बेटा भागो नहीं, हम तुमको कुछ नहीं करने वाले। ओए उज्जवल तूने वही चीज सुनी ना जो मैंने सुनी है? ये हमको नहीं मारने वाला है क्या? गाइस तुम लोग को क्या लगता है मेरे को कमेंट करके बताना, बट मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये पेनीवाइज को कोई प्लान है हम लोग को मारने का। लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकते, अगर हम भाग के जाएंगे तो ये हमको पकड़ लेगा। मेरे को तो यही सही लगता है कि हम लोग इसकी बात सुन ले। हाँ यार उज्जवल वैसे तूने बात तो सही बोली है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हेलो पेनीवाइज, आपको वो गोली से ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? वो गोली तो कुछ भी नहीं थी, जब मैं बोर होता हूँ ना तो मैं अपने ऊपर कभी कभी मशीन गन चला लेता हूँ। क्या बात है। लेकिन जब हम लोग बोर होते हैं ना तो हम लोग अपने आप के ऊपर गोली नहीं चलाते, तो अगर आप अभी बोर हो रहे हो तो प्लीज हमारे ऊपर गोली मत चलाना। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को कुछ नहीं करूंगा। क्या बात है पेनीवाइज, थैंक्स लॉट। उज्जवल तू सुन रहा है ना? मैंने बोला था ना बात कर लेते हैं। हाँ यार अच्छा हो तूने बोल दिया, वरना मैं भागते रहता। वैसे पेनीवाइज आपकी आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो, आप कितने साल के हो? बुड्ढा होगा तेरा बाप, मैं सिर्फ 500 साल का हूँ। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप तो बिल्कुल भी ओल्ड नहीं लगते, आप बहुत ज्यादा यंग लगते हो। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने यंग दिख सकते हो। मेरे को भी यंग रहने के थोड़े सीक्रेट्स बता दो ना आप। हाँ वो मैं तुमको बता दूंगा, डोंट वरी, लेकिन उससे पहले तुम लोग को मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या आपके लिए मैं काम करूँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ कि तुम लोग को करना क्या है। लॉस सैंटोस में ना एक नया भूत आ गया है, तो तुम लोग को जाके उस भूत को मारना पड़ेगा। अरे लेकिन आप तो पेनीवाइज हो ना, तो आप जाके मार दो उसको, आपके लिए तो बहुत आसान होगा ना वो। हम भूतों का अपना अपना एरिया होता है, तो हम किसी और भूत के एरिया में जाके उसको नहीं मार सकते। हाँ तो सही है ना, इस एरिया के लोग आपसे डरते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? अरे वो हम भूतों की रैंकिंग होती है, और इस नए भूत के वजह से मेरी रैंकिंग ना थोड़ी गिर गई है, तो जो बाकी भूत लोग होते हैं ना वो मेरे को देख के चिढ़ा रहे हैं। उज्जवल तू सुन रहा है ना ये क्या बोल रहा है? अबे न्यूक्लियर तेरे को मारना है क्या? चुप बैठ। हाँ सॉरी। तो ठीक है पेनीवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बिल्कुल मेरे दादा, मेरे भाई की तरह हो। लेकिन अगर हम उस भूत को पकड़ेंगे तो आप हमें क्या देंगे? तुमको तुम्हारी जान मिलेगी। नहीं लेकिन मेरी जान तो है, मैं जिंदा ही तो हूँ। अरे बेटा तुम समझ नहीं रहे, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हाँ ठीक है डील डन, हम लोग पक्का कर देंगे, आप हमें प्लीज मत मारिएगा। ओए न्यूक्लियर मेरी गाड़ी का चली गई,
आई थिंक मैं वो चाबी लगाना भूल गया। ओए कोई नहीं, तो टेंशन मत ले, मेरे पे गाड़ियों की कमी नहीं है। और एक काम करते हैं, मैंने थोड़े दिन पहले एक डर्ट बाइक ली थी, हम लोग उसी पे चलते हैं, वो ऑफ रोडिंग के लिए काफी सही रहेगी, हम लोग उसी पे चलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, लगाओ कॉल। ओके तो गाइस, एज यू कैन सी अपनी उज्जवल की बाइक आ चुकी है और ये देखने में काफी ज्यादा टफ लग रही है, काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। और अगर तुम इसके पहिए की तरफ ध्यान से देखोगे, तुम लोग के छोटे छोटे से कांटे दिखेंगे। वैसे ये बाइक बनी ही ऑफ रोड के लिए है। ओए न्यूक्लियर, तेरे को डर तो नहीं लग रहा ना? हे उज्जवल, डर जैसा कोई वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? ओके तो गाइस, हम लोग नीचे की तरफ उतरे और एक बंदे से हमारी बातचीत हुई और उस बंदे ने बोला कि यहाँ से अगर हम लोग राइट की तरफ मुड़ेंगे और इस ट्रेल को सीधा सीधा फॉलो करेंगे तो उस भूत की लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। और यार, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, बहुत ही ज्यादा स्टीप एरिया है ये और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, जिनको देख के मेरी और भी ज्यादा फट रही है। और ये क्या, ये लोग यहाँ पर आराम से कैंपिंग कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, अभी इन लोग को पता नहीं है कि यहाँ पर भूत है करके। लगता तो ऐसे ही है, क्या बोलता है, पेल दे इनको। अरे यार उज्जवल, तूने तो बिल्कुल दिल की बात छू ली, इतनी देर से मेरे हाथों में खुजली हो रही थी। और भाई सब बढ़िया? हाँ हाँ, क्या बात है। अरे मैडम, आप स्मोक कर रही हो, आपको पता नहीं है क्या, आपको पता नहीं है कि स्मोक करना गलत बात होती है? कहाँ भाग के जा रही हो यार, तुम तो मेरे से भी ज्यादा तेज निकली है, स्मोकिंग कर रही हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, अगली बार से कोई भी स्मोकिंग करेगा ना उसको छोड़ने का नहीं है। और उज्जवल, तू देख रहा है आगे क्या है? ओए आगे तो कुछ नहीं है, क्यों क्या हो गया? अभी 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 तो हम लोगों ने नीचे दो लोग को मारा था, उनकी बॉडी गायब कैसे हो गई? मेरे को तो ऐसा लग रहा है उस भूत ने उड़ा दिया इनको। भूत जैसी कोई चीज होती नहीं है यार, तुझे तो पता ही है ना उज्जवल, है ना, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती ना, प्लीज पता ना मेरे को एक बार। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वैसे तूने अपने सर के ऊपर ये हेलमेट क्यों पहन रखा है? ओए मान ले अगर मैं फिसल के नीचे गिर गया तो बच जाऊंगा ना। सही है, बहुत तेज चलो, लेकिन वो सब छोड़ो, अभी हम लोग वापस से अपने एडवेंचर पे चलते, हम लोग को उस भूत को ढूंढना है। उस बंदे ने तो यही बोला था कि अगर तुम इस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाओगे तो तुम्हें वहां से ये भूत दिख जाएगा करके। अभी ये बिल्कुल वैसा लग रहा है, क्या बोलते, लायन टाइप लग रहा है, लेकिन इसकी फटी हुई क्यों है, उसको तो हमको देख के अटैक करना चाहिए था ना। ओए मेरे को तो लग रहा है उसने भूत देख लिया। यार ऐसे डरा मत यार। ओके तो गाइस, मेरे हिसाब से हम लोग को यहाँ से भूत दिख जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने अपना स्नाइपर निकाल दिया तो हम लोग आराम से दूर से देख सकते हैं, हम लोग को ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं होगी। एक बार हम दूर से देख के कंफर्म कर लेते हैं वही है करके, और जैसे ही हम लोग को पता चलेगा कि वो वहां पर है तो थोड़ा आराम से जाएंगे, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ जाएंगे। अगर हम ऐसे ही जाएंगे तो किसे पता वो हमें मार दे। और देखते हैं, उसने बोला था कि यहीं पर कहीं होना चाहिए उसको। क्या बात है, यहाँ पर किसी का घर है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा यार। गाइस, के तुम लोगों ने वो चीज देखी? ओ भाई, उज्जवल तो देख रहा है ना वो। ओए हाँ गाइस, ये तो असली में भूत निकली। ओ भाई, ये उड़ रही है बे, कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है, और इसके चारों तरफ देखो पता नहीं क्या चीजें घूम रही है। यार मेरे को तो डर लग रहा है उज्जवल, तू आगे जाएगा? ओए नहीं, तू जाएगा। नहीं तू जाएगा। ओए तू जाएगा। नहीं तू जाएगा। ओए मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू जाएगा। चल ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सिक्का उछालते हैं, और अगर हेड्स आएगा तो तू जाएगा, और अगर टेल्स आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है? ओए लेकिन तेरे पे सिक्का है क्या? मेरे पे तो नहीं है, तेरे पे तो होगा ही ना? नहीं मेरे पास तो नहीं है। तूने वो आवाज सुनी? लगता है झाड़ियों में कोई हग रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे दिमाग में एकदम मस्त प्लान आया, वो सुन के तू पागल हो जाएगा। ओए ऐसा क्या प्लान है? मैं उसके पास जाऊंगा और स्टिकी बॉम्ब लगाऊंगा, और अगर वो अपने सर के बल गिरता है तो तू जाएगा, और अगर वो अपने पेट के बल गिरता है तो मैं जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके तो गाइस, इन्हीं झाड़ियों के अंदर से मेरे को आवाज आ रही थी हगने की, हम लोग यहाँ पर चुपचाप से स्टिकी बॉम्ब लगाएंगे और थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे और फिर फोड़ देंगे। ये अपने पीठ के बल गिरा है, अब तेरे को जाना पड़ेगा। अरे यार कितनी फटी हुई किस्मत है मेरी। चलो कोई नहीं, डर के आगे जीत है। मेरे को किसी भूत से डर ही नहीं लगता, भूत भूत जैसी कोई चीज होती नहीं है, मैं तो भूत पकड़ने में बिल्कुल प्रो हूँ। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही यार, मैं प्रो वो नहीं हूँ, मैं घर जाऊंगा। ओए फट्टू फट गई क्या? ओए नहीं, मेरी किसी से नहीं फटती, मैं आज इस भूत को पकड़ के रहूंगा, बिल्कुल आराम आराम से जाना पड़ेगा। गाइस एक काम करते हैं, हम लोग है ना दूर से ही पट से हेडशॉट दे देते हैं इसको। ये ले। अबे इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, बड़ी खतरनाक भूत है यार ये। मेरे हिसाब से स्नाइपर से इसको कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हम लोग एक काम करते अपनी माइक्रो SMG से मारते इसको, और एक काम करते यहाँ से आराम आराम से छुप छुप के जाएंगे, उसको हमारी फुटस्टेप्स की बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, और उसके पीठ पीछे गोलियों की बौछार कर देंगे। ओए उज्जवल तू मेरे पीछे ही है ना? ओए हाँ मैं तेरी पीछे चल, लो टेंशन मत ले। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अरे भाई बड़ी खतरनाक लग रही है यार ये। एक काम करते हम लोग यही से मार देते इसको।
गाइस तुम लोग देख रहे हो, इसको कोई असर ही नहीं हो रहा। गोलियां इसके अंदर से जा रही है यार, कितनी खतरनाक भूत है ये। एक काम करते हैं, हम लोग अपना स्टिकी बॉम्ब यूज करते हैं इसके ऊपर। 1 2 3 भाई स्टिकी बॉम्ब से भी कुछ नहीं हुआ इसको, क्या भूत है भाई। गाइस अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम लोग को बड़े गन्स की मदद लेनी पड़ेगी। इस बार मैं भी देखता हूँ कि ये भूत कैसे बचेगी। उज्जवल इसको कुछ नहीं हुआ यार। लेकिन कोई नहीं उज्जवल, डर के आगे जीत है और मैं किसी भूत से नहीं डरता। किसे पता कि ये भी पेनीवाइज की तरह थोड़ी फ्रेंडली हो। लेकिन तब भी प्रिकॉशन के लिए हम लोग एक पिस्टल लेके चलते हैं, अगर ये कुछ ज्यादा हरकत करेगी तो एक हेडशॉट दे देंगे इसको। अरे भाई कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है यार ये, इसकी आंखें तो देखो कैसे चमक रही है यार। उज्जवल सही में बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। हेलो मैडम आप बात करती हो क्या, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही। अरे नहीं 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 नहीं, अबे यार उज्जवल बचा यार। ओए मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत ले। अरे यार नहीं, यार नए कपड़े लिए थे फट जाएंगे। अबे तेरे को अपनी जान से ज्यादा कपड़ों की टेंशन है क्या। अरे गाइस हम लोग इससे बेफालतू में डर रहे थे, ये तो एक होलोग्राम है यार। मेरे हिसाब से किसी ने पोपट बनाने के लिए यहाँ पर होलोग्राम लगा दिया है। अगर तुम इस साइड से देखते हो तो ये भूत बिल्कुल गायब हो जाती है, और अगर तुम इस साइड से देखते हो तो तुम्हें ये भूत दिखती है। लेकिन सही में मानना पड़ेगा यार कितनी ज्यादा खतरनाक दिख रही है ये। और यहाँ पर खून से किसी ने जैक या जॉक लिखा हुआ है, ये अपने ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाला जैक तो नहीं है। ओए नहीं ये वो वाला जैक नहीं है, एक्चुअली इसकी स्टोरी ये है कि इसको इसके पति ने ऊपर से नीचे धक्का दे दिया था, और मेरे हिसाब से किसी ने डराने के लिए यहाँ पर उसका प्रोजेक्शन लगा दिया। भाई लेकिन तू जो भी बोल, इसका जो होलोग्राम है सेम में कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। और गाइस जब हम इसको नीचे से देखते हैं तो और भी ज्यादा डरावना लगता है, तुम लोग देख रहे हो ना कितना ज्यादा। अरे यार सही में ऐसी फीलिंग आ रही है कि असली की भूत हो। अच्छा तो उज्जवला पेनीवाइज के पास चलते हैं और उसको बता देते हैं कि उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे पेनीवाइज कैसे हो, अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने उस भूत को खत्म कर दिया है। वो एक्चुअली भूत नहीं था, किसी बेवकूफ ने वहाँ पर होलोग्राम लगा रखा था और लोग उसको देख के डर रहे थे। हाँ वो तो मेरे को भी पता है, मेरे छोटे भाई ने तो वहाँ पर होलोग्राम लगाया है। उज्जवल तू सुन रहे है ना उसने क्या बोला। ओए हाँ तेरे को अपना मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था, तूने उसके भाई को बेवकूफ बोल दिया। हाँ यार अब तो हक दिया, अब क्या करूँ। ओए तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लेता हूँ। पेनीवाइज वो तो हम बस आपसे कंफर्म कर रहे थे, हमको भी यही लग रहा था कि वो फेक है। चलो कोई नहीं, अब हम लोग को पता लग गया तो हम लोग असली भूत को ढूंढेंगे, डोंट वरी। अरे बेटा बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। हाँ यार उज्जवल थैंक यू, बाहर आके कितना अच्छा लग रहा है यार। तो गाइस ये था हम लोग का पार्ट 2। अगर तुम लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया तो नीचे जाके लाइक करना, जैसे ही 10,000 लाइक्स आ जाते हैं वैसे ही मैं नेक्स्ट वाला पार्ट रिलीज कर दूंगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।